भुता थाना क्षेत्र में नवदिया पेट्रोल पंप पर पुष्पेंद्र की हत्या का एक आरोपी ब्रजेश कुमार उर्फ बिरजू को भुता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपने परिवार संग पहले उत्तराखंड फिर नेपाल भागने की फिराक में था। भुता पुलिस ने आरोपी ब्रजेश कुमार उर्फ बिरजू से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह हत्या के पूरे षड्यंत्र में शामिल था। जिस दिन हत्या की गई उससे एक दिन पहले ही वह गाँव छोड़कर बागेश्वर चला गया था, जिससे उस पर कोई शक न करे। आरोपी ब्रजेश कुमार उर्फ बिरजू ने बताया कि पूरनलाल वन और अर्जुन ने पुष्पेंद्र के छोटे भाई की दिन दहाड़े गोलियां मारकर खरदहा मोड़ पर हत्या की थी। इस मामले की पैरवी पुष्पेंद्र कर रहा था। आरोपियों को डर था कि उन्हें इस मामले में सजा हो सकती है, इसलिए सभी लंबे समय से पुष्पेंद्र को मारने की योजना बना रहे थे और बताया कि पुष्पेंद्र को पहले कई बार धमकी भी दी गई, जिसकी वजह से वह गांव छोड़कर शहर चला गया, जिसमें हत्या से करीब एक माह पहले ही सभी लोगों ने मिलकर एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में आरोपी ब्रजेश कुमार उर्फ बिरजू शामिल था। उसी मीटिंग में तय हो गया था कि पुष्पेंद्र को कैसे मारना है। इसके बाद हत्या से एक दिन पहले सूचना मिली कि पुष्पेंद्र गांव आ रहा है। उसी समय सभी ने एक माह पहले बनी योजना को अंतिम रूप देने की तैयारी कर षड्यंत्र के तहत सरेंडर करके जेल गए। पूरनलाल ने जेल से ही पूरी योजना बनाई थी, जिसमें हत्या वाले दिन से एक दिन पहले ही ब्रजेश कुमार बागेश्वर धाम चला गया, जिससे किसी को शक न हो। जब 5 नवंबर को हत्या कर दी गई तो ब्रजेश ने अपना फोन बंद कर लिया। कुछ दिन बाद परिवार को भी पहाड़ों पर बुलाकर लंबे समय तक वही रहने की योजना में था। परिवार को लेकर पहाड़ों पर पहुंचते इससे पहले ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उसे जेल भेज दिया गया है। ग्राम खरदा निवासी पुष्पेंद्र की 5 नवंबर को शाम करीब 4:30 बजे पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर 4 गोलियां मारकर हत्या की गई। स्वजन ने गांव के ही हिस्ट्री शीटर पूरनलाल और उसके परिवार वालों पर आरोप लगाते हुए 10 नामजद लोगों के विरुद्ध भुता थाने में रिपोर्ट लिखाई। सी न्यूज़ के लिए राजवीर की रिपोर्ट।